नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं टेकी गिजेश के एक और फैशन एपिसोड में। दोस्तों आज मेरे पास जो फोन है ये है वीवो का Y90 जो कि वीवो की वाई सीरीज का सबसे सस्ता फोन है। इसकी जो कॉस्ट है वो है करीबन 6,990 रुपए और हम आज करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो ये है Vivo Y90 का बॉक्स और ये बहुत क्लीन है ऊपर से और यहाँ पे है Vivo की ब्रांडिंग और यहाँ नीचे लिखा है Y90 और यहाँ पे Vivo का स्टिकर लगाया है। लेफ्ट साइड में Vivo IPL स्पॉन्सर, राइट साइड में भी ऐसा ही लिखा है। अगर बात करें पीछे की तो यहाँ पे लिखा है इसका 4030 mAh की बैटरी है। इसके अंदर बड़ी बैटरी इसमें है, 6.22 inches का HD+ डिस्प्ले और यहाँ पे आपको फेस एक्सेस भी मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे इसके सार वैल्यूज वगैरह लिखे हैं फोन के। जो कॉस्ट है वो है करीबन 7,990 रुपए लेकिन मार्केट से आपको करीबन ये 6,990 रुपए का मिल जाएगा। चलिए बॉक्स ओपन करते हैं। तो सबसे ऊपर हमें मिल रहा है ये एक एनवेलप जो कि वीवो का इसमें केस होगा, ये ट्रांसपेरेंट केस है इसके अंदर और यहाँ पे है कुछ डॉक्यूमेंटेशन। केस नॉर्मली जो सारी वीवो की बॉक्सिंग होता है वैसा ही है एग्जैक्टली। उसके अलावा ये एनवेलप है, यहाँ पे है कुछ ये IMEI स्टिकर जिसके, और उसके अलावा ये है हमारा मेन फोन यूनिट इसके बारे में साइड में, और यहाँ पे एक ये सिम इजेक्टर टूल है। और बात करेंगे उसके केबल, चार्जिंग केबल की, तो ये है नॉर्मल मिनी यूएसबी, टाइप से वगैरह नहीं मिलेगा। वैसे भी हालांकि इस कॉस्ट में आप टाइप से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। और ये है इसका चार्जर जो कि है 5W 1A का, यानी नॉर्मल चार्जर है 5W 1A का। और उसके अलावा अगर आप चेक करें मेन फ़ोन को, तो मैं निकाल लेता हूँ उसको रैप से बाहर। और सो ये निकाल लिया मैंने फ़ोन बाहर और ये दिखने में बहुत ही बेसिक डिज़ाइन है इसका। बैक में ये हल्का सा मैट फिनिश दिया हुआ है यहाँ पे आपको। अगर बात करूँ इस फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की, तो यहाँ पे आपको फ्रंट में ये पूरा डिस्प्ले देखने मिलेगा जो कि है 6.22 inches का पैनल। यहाँ पे ऊपर एक ये छोटी सी ड्रॉपलेट नॉच है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कैमरा से के अंदर है, और इसके ऊपर है यहाँ पे एक ये ईयर पीस। राइट साइड में है वॉल्यूम रॉकर्स और ये है इसका पावर बटन। ऊपर की तरफ एकदम क्लीन है। बात करेंगे लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पे है इसका सिम ट्रे। चेक करते हैं इसमें सिम कौन सा मिलेगा आपको। सिम ट्रे आई थिंक ट्रिपल स्लॉट इसमें होना चाहिए, तो अगर हम चेक करें सिम ट्रे तो यहाँ पे आपको, हाँ तो आपको ट्रिपल स्लॉट मिलेगा, यानी आप दो सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड भी लगा पाएंगे। उसके अलावा अगर बात करें बॉटम की, तो यहाँ पे है 3.5 mm का हेडफोन जैक, यहाँ पे है मेन माइक्रोफोन, ये है इसका चार्जिंग डॉक और यहाँ पे है इसका स्पीकर ग्रिल्स। और अगर बात करें पीछे की, तो यहाँ पे है इसका मेन कैमरा, ये है इसका फ्लैश LED फ्लैश और यहाँ पे है वीवो की ब्रांडिंग। दिखने में काफ़ी फ़ोन बहुत बेसिक है और आपको वीवो के बहुत से फ़ोन में ये डिज़ाइन पहले मिल चुका है, सेम वैसा ही डिज़ाइन यहाँ पे भी मिलेगा आपको। तो चलिए मैं इस फोन को ऑन कर लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे फ़ोन की होम स्क्रीन पे। तो हमारा फोन हो गया ऑन और सबसे पहले अगर बात करें इस फोन के डिस्प्ले की, तो इस फोन का जो डिस्प्ले है ये है 6.22 इंचेस का IPS LCD पैनल जो कि HD+ रेजोल्यूशन का है और यहाँ पे ऊपर है कि छोटी सी ड्रॉपलेट नॉच। अगर बात करूँ इस फोन के कलर्स की, तो कलर्स डेफिनेटली काफ़ी अच्छे हैं, ब्राइटनेस लेवल भी काफ़ी अच्छा है और जिस हिसाब से कॉस्ट है इस फोन की उसके हिसाब से डेफिनेटली मैं कहूँगा डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। आपको कोई भी शिकायत डिस्प्ले को लेकर नहीं होनी चाहिए। अब अगर बात करें इस फोन के परफॉर्मेंस की, तो हम चलते हैं इसकी सेटिंग्स में, हम चेक करते हैं कि बाकी क्या क्या इसमें आपको मिलेगा। लेट्स गो टू मोर सेटिंग्स, लेट्स गो टू अबाउट फोन। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है फ्रंट टच OS और उसके अलावा यहाँ पे आपको एंड्रॉयड का वन मिलेगा 8.1 यानी ओरियो। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, आई थिंक यहाँ पे 9 यानी पाई देना चाहिए था लेकिन यहाँ पे आपको ओरियो मिल रहा है। आई थिंक अपडेट के बाद शायद ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पे रैम है 2GB, उसके अलावा फ्रंट टच OS है वो है 4.5 का, और उसके अलावा जो प्रोसेसर इसके अंदर वो है 2.0 GHz का MediaTek का A22। मेरे को थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, हालांकि इस कॉस्ट में आपको MediaTek का ही Helio P22 भी मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको वो नहीं मिलेगा। हालांकि परफॉर्मेंस की बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, जिस कॉस्ट में आप इस फोन को ले रहे हैं वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हैं फोन से, बट फिर भी ये अपने कॉस्ट के हिसाब से आई थिंक अच्छा प्रोसेसर है और आपको कोई भी परफॉर्मेंस के से रिलेटेड इश्यूज़ नहीं होने चाहिए इस फोन पे। बात करें अगर बैटरी की, तो इसमें मिलेगी आपको 4030 mAh की बड़ी बैटरी जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसका जो चार्जर है वो है 5W 1A का चार्जर जो कि एक स्लो चार्जर है, यानी आपको काफ़ी टाइम लगेगा आपकी बैटरी को चार्ज करने में, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी बात है कि एंट्री लेवल ये फोन्स में आपको बड़ी बैटरी मिलना तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो वो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा यहाँ पे। उसके अलावा बात करूँ फोन के कैमरास की, तो इसके बैक में आपको यहाँ पे मिलेगा 8 MP का कैमरा। इसका एपर्चर जो है वो है F2.2 और उसके अलावा जो फ्रंट कैमरा है वो है 5 MP का F1.8 एपर्चर का कैमरा।
कैमरा। बात करें इन दोनों की, अगर क्वालिटी की कैमरा की, तो आप ये देखिए जो स्क्रीन पर जो फोटोज देख पा रहे हैं, ये सभी फोटोज वीवो Y90 के मेन और फ्रंट कैमरे से लिए हुए हैं। आप साफ देख पा रहे हैं कलर्स काफी अच्छे हैं और कहीं ना कहीं फोटो काफी अच्छी, मैं कह सकता हूँ कुछ फोटोज डेफिनेटली काफी अच्छे कैप्चर किए हैं इसने। खासकर अगर आप बात करें डे लाइट की तो फोटोज काफी अच्छी हैं, लेकिन अगर लाइट कम हो या फिर आप नाइट शॉट्स की बात करें तो हल्का सा कैमरा स्ट्रगल करता है। मेरे हिसाब से कैमरा की परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छी है, लेकिन फिर भी इस कॉस्ट में आपको कुछ और फोन्स में ज्यादा अच्छे कैमरे मिलते हैं, तो आपको वो थोड़ा कंसिडर करना चाहिए। अब अगर बात करें सिक्योरिटी फीचर्स की, तो इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ फेस अनलॉक मिलेगा। हम जरा चेक करते हैं उसकी स्पीड फेस अनलॉक की, तो फेस अनलॉक डेफिनेटली काफी फास्ट है और आप देख पा रहे होंगे कि इंस्टेंटली अनलॉक कर रहा है। तो फेस अनलॉक है इसमें, फिंगरप्रिंट नहीं है। फिंगरप्रिंट आपको थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगेगा शायद, बट फिर भी मेरे हिसाब से फेस अनलॉक काफी फास्ट है और आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। तो ये तो थे मेरे व्यूज फोन के बारे में। आप मुझे जरूर से बताएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा, आपको इस फोन में क्या अच्छा लगा, क्या परेशानी लगी इस फोन में आपको। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इस फोन के बारे में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई भी सुझाव है मेरे वीडियो के बारे में तो भी मुझे कमेंट करके जरूर से बताएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ पे एक रेड कलर का बटन है, उसको प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। उसी के पास में एक छोटा सा बेल आइकन भी है, उसको भी दबाइएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियोज मिस ना करें मेरे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं, मेरा जो हैंडल है वो है TechyGajesh TechyGajesh, और वहाँ पे बहुत कुछ होता रहता है, सो विल कनेक्ट देयर ऑल्सो। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।